आज का जो टॉपिक शुरू हम कर रहे हैं बेटा, वो हम कर रहे हैं डाइहाइड्रोजन से। और तो टॉपिक क्या है आज डाइहाइड्रोजन, यानी कि H2। अभी मैंने इसकी अकरेंस की बात करी, अकरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि H2 जो है मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स का। 15.4% डाइहाइड्रोजन हमें अर्थ क्रस्ट पर मिलती है। और जब हम अगर इसका मोस्ट ये दे देखे कॉम्पोजिशन वाटर का, तो वाटर H2 और O2 से बनता है, और H2 प्लस O2 यानी कि 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। तो वाटर के लिए हाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, उसके बिना वाटर नहीं बन सकता, जो कि प्लांट और एनिमल टिश्यूज का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है वाटर। अगर हम देखें तो डाइहाइड्रोजन H2 के आइसोटॉप्स बहुत होते हैं। H2 बिहेव्स लाइक अ आइसोटॉप्स, एंड यू नो वेरी वेल आइसोटॉप्स क्या होते हैं, विच हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो यहाँ पर आइसो का मतलब होता है सेम, और टॉप्स का मतलब है यहाँ पर एटॉमिक नंबर। तो आइसोटॉप्स आर दोज कंपाउंड्स विच हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ठीक है, अब यहाँ पर हम अगर हाइड्रोजन के, डाइहाइड्रोजन H2 के बात करें किसकी, आइसोटॉप्स की, तो वो कितने होते हैं, थ्री होते हैं कॉमन। H2 के आइसोटॉप्स कौन कौन से होते हैं, मैम प्रोटियम, मैम बिल्कुल सही, प्रोटियम, 1H1, मैम 1H2 ड्यूटेरियम, एंड 1H3। ठीक थ्री। है, अब आप अगर हम क्लास 10th में जाएं, तो मेंडलीव की टेबल का ये एक लिमिटेशन था कि उन्होंने हाइड्रोजन को प्रॉपर प्लेस नहीं दिया था, साथ के साथ उन्होंने आइसोटोप को प्रॉपर प्लेस नहीं दिया था, क्योंकि जो उनकी पीरियोडिक टेबल थी वो तो एटॉमिक मास पर बेस्ड थी, है ना। तो एटॉमिक मास तो सबका डिफरेंट है आइसोटोप का, तो फिर सबको अलग अलग जगह क्यों नहीं मिली, हाइड्रोजन को फिर एक ही स्पेस क्यों मिला, है ना। तो उसका रीजन वो नहीं बता पाए थे, लेकिन जब हेनरी मोजले ने अपनी पीरियोडिक, जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसको बनाया, तो उन्होंने उसको एटॉमिक नंबर के बेस पे बना दिया। उन्होंने कहा कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते ही लगभग सब जो होते हैं, उन्होंने अपनी टेबल को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे बनाया था। अब यहाँ देख रहे हैं एटॉमिक नंबर तो सबका 1 ही है, तो इसलिए आइसोटोप को अलग से स्पेस देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही हाइड्रोजन 3 आइसोटॉप दिखाता है। हमारी पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट हैं जो आइसोटॉपिक नेचर शो करते हैं, जैसे ऑक्सीजन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं, नाइट्रोजन के 2, कार्बन के 2 होते हैं, तो ऐसे बहुत, क्लोरीन के 2 आइसोटॉप होते हैं। तो बहुत सारे एलिमेंट आइसोटॉपिक नेचर शो करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो 1H1 का नाम क्या है, प्रोटियम, 1H2 का क्या है, ड्यूटीरियम, और 1H3 का क्या है, प्रोटियम, ट्राइटियम। क्या है बोलिए, प्रोटियम, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ट्राइटियम, एंड टाइटियम। ट्राइटियम। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज को नहीं देखेंगे, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में अब नहीं है। हम केवल और केवल इसके यूजेस देखेंगे, यूजेस ऑफ H2। ठीक है, तो यहाँ से यूजेस, अगर हम H2 के यूजेस की बात करें, तो H2 के बहुत यूजेस हैं। एज ए रॉकेट फ्यूल हम इसे यूज करते हैं, H2 को, जितने भी हमारे रॉकेट्स होते हैं उनमें फ्यूल जो डलता है वो H2 के फॉर्म में ही, H2 का ही डलता है। तो रॉकेट फ्यूल, रॉकेट को उड़ाने के लिए जितना भी फ्यूल चाहिए वो इसी से बनता है। जो फ्यूल सेल्स है हमारी, उसमें हाइड्रोजन मेन एलिमेंट होता है। और अगर हम इसकी मैन्युफैक्चर, जैसे हमारा यूरिया बनता है खेतों में जो डलता है यूरिया,
उसका फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2, तो वहां पर भी H2 इज अ मेन प्रोडक्ट है, अमोनिया के बनाने में हाइड्रोजन मेन प्रोडक्ट है। पता है ना आपको हैबर प्रोसेस क्या होता है अमोनिया का, CH2+N2 gives to NH3। तो हम वहां देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन से भी ज्यादा रेशो हाइड्रोजन का है। तो बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने में भी हम H2 का यूज करते हैं, जैसे अमोनिया है, यूरिया है, एक्सेट्रा। तो दो यूज हो गए। थर्ड यूज अगर हम देखें तो बेटा आपने देखा होगा कि जब हम वनस्पति घी से वनस्पति तेल बनाते हैं तो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन करते हैं, और हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में H2 एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है, करता है ना? आपको रिएक्शन याद है, 10th में पढ़ी थी आपने। तो इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर्ड इन द वनस्पति घी। तो हमें क्या बनाना है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाना है। तो वनस्पति घी के मैन्युफैक्चर में भी H2 का यूज होता है एज ए कैटलिस्ट, जिसे हम हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? कर सकते हैं ना ये रिएक्शन? तो यस मैम। अगर CO के साथ इसे मिला दें, CO+2H2, तो ये CH3OH बना देता है। तो हम यह देख रहे हैं कि ये CH3OH के बनाने में भी बहुत यूज होता है, जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकता है हाइड्रोजन किसी अदर कंपाउंड के साथ जुड़कर, जैसे कि मिथाइल अल्कोहल हमने बता दिया, जिसका कॉमन नेम मिथेनॉल भी है। ठीक है, IUPAC नाम क्या है इसका, मीथेन ऑल मिथेनॉल। ठीक है, कॉमन नेम हो गया मिथाइल अल्कोहल, OH का मतलब अल्कोहल ग्रुप। और क्या कह सकते हैं, ये रिड्यूस, इट इज रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड टू मेटल, ये रिड्यूस कर देता है हैवी मेटल ऑक्साइड को मेटल्स में। ठीक है, और ये एज ए फ्यूल यूज होता है टू जनरेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी, इट इज यूज एज ए फ्यूल टू जनरेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो कितने सारे यूज हो गए बेटा? हाँ बेटा, इसमें कटिंग और वेल्डिंग जो हम करते हैं ना प्रोसेस, आपने वेल्डिंग करते हुए देखा होगा, तो वहां पर भी जब H2 जो होता है वो ब्रेक होता है H+H में, तो बहुत सारी एनर्जी बाहर निकालता है ये। जब इसके जो मॉलिकुलर फॉर्म है वो एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो बहुत सारी एनर्जी रिड्यूस बाहर निकलती है, उस एनर्जी का यूज वेल्डिंग और कटिंग प्रोसेस में किया जाता है। आपने देखा ना वेल्डिंग होते हुए, मास्क पहनते वेल्डिंग करते हैं, तो वेल्डिंग करने के लिए भी हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। और बहुत सारे केमिकल्स हैं, जैसे मिथाइल क्लोराइड और भी बन सकते हैं, जैसे हमने यहाँ बनाए हैं, इस तरीके से इसके ये यूज आपने पढ़ लिया आज। कम से कम इसके 6-7 यूज याद कर लेना, कभी कभी यूज पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं 2 मार्क्स। ठीक है, तो मैक्सिमम जितने यूज आप याद कर सकते हो वो याद कर दीजिएगा। ठीक है, क्लियर? यहाँ पर एक हाइड्राइड टॉपिक भी है जो कट नहीं हुआ है, तो हाइड्राइड आपको थोड़ा सा याद करना है, हाइड्राइड के बाद फिर मैं इसका वाटर पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है, तो हाइड्राइड का एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आपका वो जरूर आता है उसमें से एक क्वेश्चन। तो हाइड्राइड क्या होते हैं, मेटल और नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन, केवल 18 ग्रुप को छोड़ दीजिए, मेटल या नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन गिव्स हाइड्राइड। ठीक है, समझ में आ गया, डेफिनेशन क्लियर हो गई? दिस एक्सेप्ट द नोबल गैसेस मेटल प्लस नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन गिव्स, यानी कि मेटल और नॉन मेटल है, ऐसे नहीं मेटल और नॉन मेटल के आप अलग अलग हाइड्राइड बना सकते हो। तो मेटल एंड नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन गिव्स हाइड्राइड, जैसे MgH2 और हमने यहाँ पे बनाया था अभी NaH, तो ये सब हमारे क्या है, B2H6, ऑल आर द हाइड्राइड। हाइड्राइड का क्लासिफिकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, और हाइड्राइड का क्लासिफिकेशन 3 तरीके का होता है। ठीक है, आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड, दूसरे है कोवेलेंट और मॉलिकुलर हाइड्राइड, और थर्ड है मेटेलिक और नॉन स्टेचोमेट्रिक हाइड्राइड। ठीक है, अब आपको होमवर्क दिया जा रहा है कि आप इन हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ के आइए, इसी पर एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है टाइप ऑफ द हाइड्राइड का।
ठीक है, क्लियर? यस मैम।